Good morning, students. Today I will teach you the English language, chapter number 13, it is Ahtuk and Puller. Page number 61. The Puller learned to run with other dogs in harness. ये जो Puller था, ये सीख रहा था कैसे ये जो dogs in harness, harness means, पीछे देखो इसका meaning है, this is very important. To set up straps by which an animal is fastened to a cart or plow. एक कार्ट और व्हीकल्स जो डॉग से पुल किया जा सकता है तो वो कैसे रन करता है वो सीख रहा था एंड टू पुल अथुक स्लेज और स्लेज कैसे टाना जाता है वो भी सीख रहा था कैसे पुल किया जाता है एट फर्स्ट एक ग्रेट ब्लॉक ऑफ आइस वाज फ्रस्ट्रेटेड टू द हार्नेस फर्स्टली क्या हुआ एक आइस का एक बड़ा जो गोला है वो फ्रस्ट्रेटेड क्या हुआ है ये जो हार्नेस है ये जो एनिमल्स डॉग से टाना जो टांता है जो व्हीकल्स है उसको खींचता जो व्हीकल्स है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है अथुक शाउटेड हुइट और जब वो अटक गया उसका रास्ते में एक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तब अथुक ने चिल्लाकर कहा हट जाओ व्हिच मींस गो ऑन चलो 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 पुलर लुक्ड अराउंड एज इफ सो से डू यू रियली वांट मी टू पुल दैट थिंग तो पुलर जब पीछे मुड़कर देखा और बोला कि या तुम रियली मुझको पुल करना चाहते हो द बॉय क्रैक्ड हिज व्हिप एंड शाउटेड अगेन तब द जो बॉय था वो फिर से चिल्लाया और बोला व्हिट व्हिट जिसका मीनिंग है गो ऑन एवे विंड पुलर लाइक द विंग स्पीडिंग अक्रॉस द फ्रोजन स्लो इसका मीनिंग है जब पुलर ये विंड से जब ये स्प्रीड एक्रॉस कर रहा था ये फ्रोजन स्नो मीन्स जो आइस फ्रोजन हो जाता है जम जाता है उसको हम कहते हैं फ्रोजन स्नो तो वो जब विंड से बह जाता है टिल द लैम्प द आइस ब्रोक अगेंस्ट द रॉक तब वो जाकर कैसे ब्रोक करता है वो जब रॉक जब पत्थर पे पत्थर के आगे जो वो विंड से पास होता है तब वो जाके टूट जाता है और ब्रोक कर जाता है देन पुलर वेटेड फॉर हिज मास्टर तब पुलर जाके उसके मास्टर के लिए वेट करता है जब वो फ्रोजन स्नो ब्रोक हो जाता है ही सीम टू बी सेइंग डोंट गिव मी अ सिली बीट ऑफ आइस टू पुल लिटिल मास्टर ट्राई मी विथ योर स्लेज तब उन्होंने बोला कि मुझको ये सिली बीट मत दो ये आइस पुल की तरह लिटिल मास्टर मुझे ट्राई करने दो तुम्हारा स्लेज पर देयर केम ए डे व्हेन पुलर शोड दैट ही कुड डू एक दिन आया जब पुलर ने शो किया कि वो ये कर सकता है विंटर हैड कम अगेन विंटर फिर आ गया एंड ब्रॉट सिकनेस विद इट और फिर ये ऐसे ही होता रहा मेनी पीपल वेर इल बहुत सारा पीपल बीमार हो गया फूड एंड ऑयल वेर बिकमिंग स्केयर्स ये जो खाना था और जो ऑयल था ये फिर से विंटर आने से वो स्केयर्सिटी हो गया वो मिल नहीं रहा था एंड द लेडीज गॉट ओरिड और घर का जो औरत था वो बहुत ही ये लेकर ओरिड हो गया था देन न्यूज केम दैट सेल्स हैड बीन सीन तब वो सिर के द्वारा एक न्यूज आ गया अथुक फादर वाज इल कि अथुक का पिताजी जो है वो बीमार हो गया एंड ऑल द मेन एंड बॉयज हु वर वेल हैड गॉन ऑफ ए बियर हंट सेवरल डेज बिफोर और क्या हुआ ऑल द मेन और जो बॉयज था जो बहुत दिन पहले ये हुआ था तब ये बर्न्ड हंट हो गया था कुछ दिन आगे आई विल गो हंटिंग अलोन सेड अथुक तो अथुक ने क्या कहा उसका पिता बीमार हो गया इसीलिए वो अकेले हंटिंग में गया शिकार में गया आई फियर फॉर यू सेड हिज मदर वेट अंटिल द हंटर्स रिटर्न तो तब उसका मम्मी ने बोला हमको बहुत डर लग रहा है तुम कुछ देर वेट कर जाओ जब तक ना ये हंटर्स लोग रिटर्न करे तो उसका मम्मी उसको अकेले जाने के लिए मना कर रहा था सो आफ्टर दिस थैंक यू